नेशनल लोकदल का वर्कर है, वो जमया हुआ है ताऊ देवीलाल की वजह से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से। हमारे तो घर का जो विनाश कराया है इसने कराया है, दुष्यंत ने जी। दुष्यंत भी तो मारा ही था, जो दुष्यंत हमारा हम एक हो जाते तो आज भी 30 सीट है जी। अच्छा जी, हाँ जी, दुष्यंत ने तो लपेट दिया। हम चंद्रशेखर का वजूद कहते कि वो उसने सांसद बन गया नगीना से, तो यहाँ पे वर्चस्व होगा। उन्होंने कह रहे कि यहाँ पर समर्थक आ गए, तो मायावती को तो बीट कर देगा चंद्रशेखर यहाँ पे। यहाँ उसका चंद्रशेखर का या और दुष्यंत का यहाँ कोई वजूद नहीं है, आप कहीं कहीं एंड। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के अब अंतिम दिन बचे हुए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी बातें का बखान कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, मगर इस बीच में इनलो और जेजेपी पार्टी भी अपना वर्चस्व दिखाने की तैयारी कर रही है। इनलो ने बसपा से गठबंधन किया हुआ है, उधर जेजेपी ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से तैयारी की हुई है। टिकटों का बंटवारा भी हो गया, चुनाव आने वाले 5 तारीख में लोग वोट करने जाएंगे। इस बीच में सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई देखने वाली जो मायावती और चंद्रशेखर की पार्टियों का क्या वर्चस्व रहने वाला है, क्योंकि इन लोग भी दावेदारी ठोकती है, कहीं ना कहीं लोगों से बात करते हैं। इस वक्त बताना चाहूँगा चुलकाना और कीवाना के बीच का इस एरिया है, उन लोगों से बातचीत की जाएगी, क्या रहेगा माहौल। क्या नाम है सर आपका? ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, क्या माहौल बन रहे हैं किस चीज़ के लिए? मतलब जी हम तो इंडियन नेशनल लोकदल से देते हैं वोट जी। अच्छा, आज से नहीं, सन 1982 से देवीलाल के ही बंदे हुए हैं। अच्छा जी, हाँ। तो क्या चंद्रशेखर का वर्चस्व नहीं बन? नहीं नहीं सर, देवीलाल इंडियन नेशनल लोकदल जी, अभय चौटाला। अच्छा, राजेश सरपत जी। अच्छा, झट्टीपुर वाले जो उठे यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, राजेश झट्टीपुर जो चुनाव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ। तो क्या मायावती के जो बेस वोट बताई जाती है यहाँ भी वजूद है? हाँ बिल्कुल जी, हमारे गांव में जो 500-700 वोट तो अक्सर ही आती है उसकी। अच्छा, अक्सर ही आती है, मगर वो तो पार्टी बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल खत्म हो गई विधानसभा। पार्टी हरियाणा में तो मायावती खत्म ही नहीं हो सकती थी। अच्छा, बहुत वोट है जी उसकी। अच्छा, कुछ युवा कहते हैं, बहुत लोगों से बातचीत की, वो कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद का वर्चस्व हो गया, सांसद बना दिया। ना चंद्रशेखर आजाद का कुछ नहीं सर, यहाँ कुछ बना देते, कुछ भी नहीं, हमने तो जाने भी नहीं जी। अच्छा, वो क्या चाबी चल जाएगी यहाँ? ना ना, चाबी तो लूट लिया पूरा हरियाणा जी। अच्छा, चाबी तो गड़प करके हुए जी, चौटाला का नाश कर दिया उन्होंने। अच्छा, और नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल का ही। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे ही बात करेंगे, चलिए बहुत अच्छी रहती जी। आपका क्या नाम है सर? महेंद्र जी। महेंद्र जी, क्या माहौल लगते हैं ये मायावती का गठबंधन, चंद्रशेखर का गठबंधन? ऐसा ही है जी, किसका रहेगा? मायावती का, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है। अच्छा जी, बाकी वोट तो इसकी है सारी। अच्छा, हाँ जी, इन लोगों की पूरा मोल है हमारे कुआने में, चुलकाने में। अच्छा, पूरा मोल है जी। यहाँ तो लोग कह रहे कि जो मौजूदा विधायक है धर्म सिंह छोकर, वो अपना तैयारी कर, कमाल हो गया जी। अच्छा जी, जब हमने कह दिया इसका मोल ही है। अच्छा, हाँ, हम नहीं देंगे और किसी से। देवीलाल तो हमारा तो कति वह बात आएगी ना, देवीलाल ने तो बसाए थे बुढ़े। अच्छा, हाँ, और देवीलाल तो बात कहाँ जाएंगे नु बता। चंद्रशेखर आजाद युवा चेहरा, जेजेपी चाबी, वो नहीं पसंद आया? दुष्यंत नहीं पसंद आया, कुछ नहीं आया हमारे। दुष्यंत चौटाला मारे कुछ नहीं आया हमारे, तो देवीलाल किया है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस यही पार्टी हमारी, यही पार्टी आपकी, यही रहेगी रे, इतना जीवन जीवन लेकर जाएगा, यही रहेगी, हम नहीं फिर करते। पार्टी की सड़े तो मजबूत हैं अभी तक, उसको अभी तक समर्थन दे रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, और काम भी कर रखे हैं उन लोगों ने, उनका उनका कर्ज कौन चुका सका। अच्छा, हाँ, तुम बने हुए अब भी उनके साथ में? उनके साथ हैं। अच्छा, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनने जा रही है हमारी सरकार, बड़े मजबूत वादे कर रखे उन्होंने। चलो जी, वो तो कहोगे आप अपने हिसाब है, लेकिन जो इन्हें मतलब आम किसान के, आम आदमी के लिए किया, तो ये इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। अच्छा, हाँ जी। और चाबी, चाबी चाबी का कहाँ, यहाँ चाबी का चंद्रशेखर का कोई वजूद नहीं है। चंद्रशेखर पे तो हमला भी हो गया फिर यहाँ पे, वहाँ उसाने माँ यहाँ हमला हो गया उसका, उनको लोग पसंद ही नहीं कर रहे अब। हाँ, पसंद ही नहीं कर रहे, ये तो ही नया घर पैर का आपस में बीजेपी और में। इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर है, वो जमया हुआ है ताऊ देवीलाल की वजह से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से। हमारे तो घर का जो विनाश कराया है इसने कराया है, दुष्यंत ने जी। दुष्यंत भी तो मारा ही था, जो दुष्यंत हमारा हम एक हो जाते तो आज भी 30 सीट है जी। अच्छा जी, हाँ जी, दुष्यंत ने तो लपेट दिया हम। तो दुष्यंत का जो ये कदम लिया उन्होंने, दुष्यंत जी ने, उससे क्या मतलब नाराजगी है? नाराजगी नु है जी, मैं घर को पाड़ने का एक काम करती है बीजेपी जी। अच्छा,
बीजेपी के बाद तो मैं उन्होंने अपना घर पैट लिया जी। 19 में हमारी सरकार थी जी, देवीलाल वर्ग का मन से नहीं ठीक है जी। ताऊ देवीलाल नंदन ने जो सामाजिक काम इतने करे हैं, क्या क्या गिनवा बताओ जी, कुछ पूछो मेरे से। देवीलाल ने क्या नहीं करे और किसी पार्टी ने करा तो मेरे को बताओ। ट्रैक्टर टैक्स माफ ताऊ देवीलाल ने करा जी, किसी ने बताओ। मजे ले रहे लोग जी, कति 5 किलो की उगाई माफ करी जी, बहुत काम करे जी ताऊ देवीलाल ने। अनपढ़ आदमियों को भी मंत्री बना दिया जी। कांग्रेस हम 6,000 रुपए बुड्ढो को पेंशन देंगे। गोबर का मन से नहीं बनेगा कि चीफ धक्के खाने फिर जाओ से गोबर खा लो से सब मन नहीं मिलेगा। देवीलाल वर्गा देवीलाल ने उसको बनाया पेंशन को और उसको बढ़ाने का काम भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करा था जी। 1,000 करी थी उसने अच्छा काम करके जा रहा है जी। और जो अभी एक सत्य है ऐसा लीडर है जी। अच्छा हाँ, जो कहोगा वो होगा जी। अच्छा हाँ जी, हम तो उधर से हमारी बनी है वोट, उधर से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ही दिया जी। अच्छा। दे हम ठीक है, बात करेंगे आपसे बात करेंगे भाई। आप भी रुके बात कुछ करते हुए, क्या माहौल लग रहा है इन लोगों का? माहौल अच्छा है जी इन लोगों का। हाँ इन लोगों का जी। और चाबी वगैरह? ये चाबी वगैरह कुछ नहीं है जी, कोई जानता है आप? अच्छा हाँ, जो ताऊ देवीलाल काम करके ना ऐसा किसी ने निकाल था। अच्छा महंगाई इनके टाइम में बिल्कुल कम थी, बाकी अब जैसे आए हैं मोदी वगैरह ये इन महंगाई बिल्कुल बढ़ा दी। करे भी नहीं वो। कांग्रेस कह रही है कि अब की बार जो महंगाई किसानों के मुद्दे हम खत्म कर देंगे, सब कुछ निपटा देंगे, परेशान हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, जो ताऊ देवीलाल ने किया था ऐसा काम नहीं हो पाएगा। जैसे बुढ़ापे की पेंशन वगैरह ठीक है जी, अब तो उनके घर में जैसे दो हो गए बार वालों को पता लग गया भी अलग अलग हो गए, इसलिए थोड़ा वोट कम होगी। नहीं बाकी माहौल पूरा जी। अच्छा इनके घर में जो फूट पड़ी है इससे प्रभाव मिल रहा है? प्रभाव मिलता है। अच्छा आप ही लेके चलो, आप दोनों भाई हो अलग अलग बैठोगे तो असर तो पड़ोसी को पता लगेगा भाई अलग अलग हो गए, थोड़ा फर्क पड़ता है। तो ये नहीं होगा जो उनके फॉलोवर्स होते हैं मायावती के फॉलोवर्स और ये चंद्रशेखर ऐसे ही वो काम उधर हो गया? क्यों नहीं, माया चंद्रशेखर का वजूद कहते कि वो उसने सांसद बन गया नगीना से तो यहाँ पे वर्चस्व होगा। उन्होंने कह रहे कि यहाँ पर समर्थक आ गए तो मायावती को तो बीट कर देगा चंद्रशेखर यहाँ पे। यहाँ उसका चंद्रशेखर का या और दुष्यंत का यहाँ कोई वजूद नहीं है, आप कहीं कहीं एंड लियो। अच्छा कोई वजूद नहीं पाओगा, हर इनका इसका मायावती जी का हर इनका पूरा वजूद है यहाँ। चौटाला की पार्टी का इंटरनेशनल लोकदल का यहाँ वजूद है। अच्छा हाँ, राजेश झट्टीपुर चुनाव लड़ रहे हैं, झट्टीपुर का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको। अच्छा अच्छे हिसाब किताब चल रही है उसका। अच्छा यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं मनमोहन बढ़ाना, मौजूदा विधायक धर्म सिंह छोकर, ये कैसे? सही है, आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो जो उसके वर्कर हैं उसके साथ हैं, जो जो ये मतलब इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है इसका आपको है ना 50 साल पुराना वर्कर मिलेगा। अच्छा। आपको यहाँ हर वो टूटता नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। ये जो सियासत चल रही है इंडियन नेशनल लोकदल और चाबी की, इनमें से क्या कुछ कोई गुल खुला पाएगा यहाँ पे? देखो जी कंपटीशन तो है, बाकी देखो अभी। अच्छा कंपटीशन चला हुआ है। अच्छा। अभी कुछ नहीं कह सकते ठीक है जी, कल जैसे कल परसों 5 तारीख को जैसे वोटिंग है उसके बाद ही हो पाएगा, कंपटीशन है बाकी। अच्छा कंपटीशन है। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन निकल के आएगा? अभी क्या बताएं जी, कुछ नहीं कह सकते। मैं बताता हूँ सर आप। जी 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 जी, ये जैसे रविंद्र मछरोली हो गया, मनमोहन बढ़ाना हो गया, हमारे जो ये विधायक धर्म सिंह हो गए, इनमें से निकल के ये अपना सरन नहीं जाएगा, राजेश निकल जाएगा। हाँ जी, इनमें से निकल गया ना जी, ये तो तीनों भिड़ेंगे। और हमारी जो बंदी वोट है वो टूटती नहीं जी, ओम प्रकाश चौटाला की वोट कभी टूटी नहीं जी, ना टूटे जी, जो उसी हिसाब से जो मतलब ये तो बट लेंगे लोग तो वो निकल जाएगा। अच्छा। हमारा जो अनुमान है जी, रविंद्र मछरोली सबसे ज्यादा जितना की वो रिकॉर्ड आया था, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का संभाल कैसे निकल के आया? संभाल कैसे आया था, जब हमारे इंडियन नेशनल लोकदल से राम बतेरी खड़ी थी, धर्म सिंह खड़ा था जी, और शशिकांत खड़ा था मेरे गाँव से जी, इसलिए ये मुक्का मार गया था जी। अच्छा हाँ जी, इसका तो कोई चांस नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, तो फिर ये लोग थे जिन लोगों से हमने बात करी गांव के क्षेत्र के लोगों से। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें।